नमस्कार, आप देख रहे पॉलिटिकल ट्रेंड्स न्यूज। देवघर में त्रिकुट पहाड़ पर रोपवे हादसे में फंसे लोगों को निकालने का कार्य अब भी जारी है। मंगलवार यानी आज रेस्क्यू के लिए सेना की हेलीकॉप्टर सुबह 5 बजे से ही जुटी है। सुबह कुहासा होने की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में थोड़ी देरी हुई। हालांकि धूप के निकलते ही रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हो गया, जिसमें करीब 4 घंटे के ऑपरेशन के दौरान 3 केबुल कार से 15 लोगों को सुरक्षित निकाला गया। अब एक ट्रॉली में फंसे 4 लोगों का रेस्क्यू होना है। ये आखिरी ट्रॉली बची है जिसमें 4 लोग फंसे हुए हैं। ट्रॉली के काफी ऊंचाई में होने के कारण सेना के जवानों को रेस्क्यू में थोड़ी परेशानी हो रही है, मगर सेना ट्रॉली में फंसे उन लोगों को बचाने में जुटे हैं। इधर इस संबंध में देवघर डीसी मंजुनाथ भजंत्री ने बताया कि एयरफोर्स, IDBP और NDRF की टीमों ने सुबह से अब तक 7 लोगों को एयरलिफ्ट कराया है। जानकारी के मुताबिक सोमवार को सेना, वायुसेना, IDBP और NDRF की टीमों ने 12 घंटे तक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया था, जिसमें 33 लोगों को 3 हेलीकॉप्टर और रस्सी के सहारे बचाया गया, जबकि 3 लोगों की मौत हो चुकी है। बताया जा रहा है कि रेस्क्यू के दौरान सेफ्टी बेल्ट टूट जाने के कारण एक व्यक्ति की हेलीकॉप्टर से नीचे गिरकर मौत हो गई। वहीं अंधेरा और कोहरा हो जाने की वजह से ऑपरेशन बंद कर दिया गया था।